बाबा साहब बहुत बड़े संस्थाओं के निर्माता थे, उन्होंने इमारत बनवाई थी, इमारत फंड शुरू किया था ताकि हम रहे न रहे एक इमारत रहे, चाहे बच्चे आए फ्यूचर जनरेशन आए उसको याद रखें, इसलिए उन्होंने स्कूल कॉलेज तमाम संस्थाएं बनवाई थी। आजकल नारे बहुत ज़्यादा लगते हैं और कोई एजेंडा क्लियर नहीं होता है, लेकिन इस तरह का काम मुझे लगता है कि देश भर में जितने सूबे हैं वहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों को जरूर करना चाहिए। ओबीसी के जो कर्मचारी हैं भले ही पृथक ही बना लें, लेकिन उनको भी इस तरह का भवन का निर्माण करना चाहिए जहाँ के बच्चे रहें पढ़ें, लाइब्रेरी हो, गेस्ट ठहरें, बाद संवाद हो, विमर्श हो, सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंसेज हो, ये तमाम चीज़ें। जी मुलाकात होगी दिग्विजय जी को तो मैं ये बात तो जरूर बोल दूंगा। नहीं सर, जो बोल जो है सो आपसे बोल लें। नहीं, इसमें जब इसका उद्घाटन करेंगे जी, जब उनको बुलाएंगे। हाँ, ये है ना बात, ये जमीन आपने कैसे प्रोक्योर किया? ये प्राइम लोकेशन पे है और वो भी मुझे लगता है 7-8 हजार स्क्वायर फुट होगा। 8.5 हजार स्क्वायर फीट है। ये तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र सिंह साहब थे। अच्छा, उन्हीं के माध्यम से अजास को मान्यता मिली थी। देश के अंदर भी पहला ऐसा अनुसूचित जनजाति संगठन है जो शासन से मान्यता प्राप्त है। कितने पैसे सरकार को आपने दिए थे इसके लिए? पैसा नहीं दिए थे सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं जब प्रोफेसर था जी तो मैं मोटरसाइकिल से घूमता था भोपाल में, तो मैं देखता था कहीं कल्चरी हॉल बना है, कहीं नर्मदे हॉल भवन बना हुआ है। अच्छा, कहीं राजपूत समाज का भवन बना है। वहां से इंस्पिरेशन, तो मैं सोचता था यार कि कभी यार हमारा भी भवन कोई बन सकता है क्या। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हूँ और एयरपोर्ट चलते चलते आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना और कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी लिए चलता हूँ और देखते रहिए क्या है, मैं बताऊँगा। लेकिन आपने अंबेडकर नामा में देखा होगा, बाबा साहब ने 14 साल तक 1 रुपया 8 आना इकट्ठा करके तकरीबन 2.25 लाख रुपए जमा किए थे। उसको उन्होंने कहा था इमारत फंड, और उसमें उन्होंने ये भी बताया था कुछ उनके सवर्ण दोस्तों ने भी पैसे दिए थे, 1 लाख रुपये उनके सवर्ण दोस्तों ने दिए थे, और अस्पृश्य समाज ने तकरीबन 75,000 रुपये इकट्ठा करके दिए थे। और इमारत बनाने के पीछे बाबा साहब का मकसद ये था कि हमारे लोगों को बैठने की जगह नहीं है, कहाँ शिकायत करें, कहाँ लिख के दें, कहाँ लोगों से मिले जुलें। तो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण जो मामला है जो वो है इमारत बनवाना। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये अजाक्स मध्य प्रदेश में बड़ा प्रचलित टर्म है, अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ, कर्मचारी संघ अजाक्स। अजाक्स की ये बिल्डिंग बन रही है और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर मथुरा प्रसाद जी, अजाक्स के कोषाध्यक्ष हैं, तो सारा इनके पास फंड का पूरा हिसाब किताब रहता है। इनसे पूछेंगे कि बन क्या रहा है और क्या क्या योजना है और क्या क्या बनवा रहे हैं और इसका पर्पस क्या है। चलते जरा चलते चलते बात भी करेंगे और थोड़ा दिखाएंगे। आइए मथुरा जी, तो आप अम्बेडकर नामा आपने देखा है कि नहीं देखा? देखा है। मैं डॉक्टर मथुरा प्रसाद जी, एडिशनल डायरेक्टर हूँ हायर एजुकेशन में और प्रांतीय कोषाध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ भोपाल का, और ये हमारे प्रांताध्यक्ष जीएन कंसोटिया साहब हैं जो ECS हैं वर्तमान में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उद्यान के हैं उनके पास। ये उनकी प्रेरणा से है। अच्छा, और ये भवन बन रहा है, ये तो मुझे लगता है करोड़ों का बजट है। ये लगभग जो है हमारा पूरा तैयार होते होते 3 करोड़ रुपए खर्च होगा इसमें। तो ये पैसे कहाँ से आए? ये पैसे हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने भवन निर्माण के नाम से सहयोग दिया है। सब चेक से अकाउंट में? सब चेक से है। और मैं आपको बता दूं कि 2023 तक का हमारा ऑडिट रिपोर्ट CA ने तैयार कर ली है। 23 तक। और हमने अभी जो है एक दिन पहले 80G के लिए इनकम टैक्स ऑफिस में अप्लाई भी कर दिया है ऑनलाइन टैक्स रिबेट के लिए। हाँ जी, हमारे यहाँ 12A का सर्टिफिकेट है जी अजाक्स का जी, और सारा विधिवत जो है अकाउंट हमारा संधारित है। कोई भी व्यक्ति रात के 12 बजे भी आकर के हमारे ऑफिस में हमारी बैलेंस शीट देख सकता है। आप लोग काम करते हैं यहाँ पे है? ये हमारे सर प्रांतीय महासचिव है। अच्छा, पाटिल साहब। तो चलिए सब ठीक है, पैसा मिल जाता है पूरा समय पर? ओ बढ़िया, यही सपना देखा था बाबा साहब ने। इसके नीचे बेसमेंट है। अच्छा, और बेसमेंट इतना बड़ा है कि हमारे जो
स्लम एरिया के लोग हैं बेचारे, हमारे भाई हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं, भोपाल में उनको बड़ा महंगा शादी हॉल है, तो हम नीचे जो है ये लोग फ्री ऑफ कास्ट हम लोग उपलब्ध कराएंगे। फ्री ऑफ कास्ट? फ्री ऑफ कास्ट, केवल सफाई। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो गरीब लोग, जो गरीब लोग हैं उसमें सवर्ण भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं। जाति धर्म अपार्ट, कोई भी धर्म, कोई भी जाति का हो सकता, कोई धर्म, ये हुई ना बात। और हाँ सर, हाँ बताएं। और यहाँ पर जो है दो हमने हॉल बनवाए हुए हैं। अच्छा, चलिए दिखाइए जरा। डीएन साहब कहाँ गए? आइए पटेल। हाँ चलिए, कितने फ्लोर का है ये? ये हमारा जी प्लस फोर है। जी प्लस फोर, ग्राउंड नीचे बेसमेंट। हाँ, और बेसमेंट और चार फ्लोर है। ये आपका हॉल है? ये हॉल है, पहला हॉल। अच्छा, अभी निर्माणाधीन है, लेकिन जब इसका उद्घाटन होगा, जब नया जब तैयार हो जाएगा, तब उस समय फिर आपको वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन इतिहास का ये डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है सर, कि अभी कैसे बन रहा है, कैसे लोग मेहनत कर रहे हैं। सुपरवाइज आप लोग खुद करते हैं? बिल्कुल। 1993 में जी हमारा अजास का गठन हुआ था। ये इसलिए जरूरी है कि बाकी प्रदेश में जो अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी हैं और जो कमा रहे हैं, उनका जो वेट बढ़ रहा है, थोड़ा सा वेट कम करके इस तरह के भवन हर जगह, मल्टी स्टोरीड भवन आपको हमारे तो संडे को जो हमारे एक ऑफिस वीरर हैं जी, वो आकर के श्रमदान भी करते हैं। अच्छा, हाँ वाह, क्या करते हैं श्रमदान में? श्रमदान में जैसे कि ईंटों का एक व्यवस्थित करवाना। अच्छा, हैं हैं, और भी जो छोटे मोटे काम रहते हैं जी, वो खुद करते हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात। और ये पूरा श्रेय हमारे कंसोर्टिया साहब को जाता है। अच्छा, जो आपके अध्यक्ष हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हैं। तो और एस एन सूर्यवंशी साहब चीफ इंजीनियर हैं, वो भी महामंत्री हैं। ये पूरा दिमाग जो है जो इंजीनियरिंग का होता है। अच्छा, वो इंजीनियर हैं? वो इंजीनियर हैं। लिफ्ट की व्यवस्था है, मतलब हाईटेक बनवा रहे हैं। हाईटेक, हाईटेक। ये लिफ्ट का है, देखिए लिफ्ट इसमें लगेगा। नहीं, मैं हमारे रिटायर पर्सन भी मेंबर अगर रहेंगे हाँ, तो वो ऊपर आ सके। चलिए, इतिहास से याद रखेगा, हम रहे ना रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है एक चलो एक ये छोटा हॉल है। अच्छा, ये हॉल है, ये अध्यक्ष महोदय का चेम्बर होगा। अच्छा, अध्यक्ष कैसे, इलेक्शन से बनते हैं? हाँ, इलेक्शन से बनते हैं। अच्छा, ये अध्यक्ष महोदय का चेम्बर होगा, ये टॉयलेट बाथरूम। हमारे अध्यक्ष महोदय इतने वो हैं। अच्छा, कि उनको यहाँ से हमने गेट दिया था, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इस गेट को बंद करो, मैं बाहर से जाऊँगा। अच्छा, इतना सीनियर आईएएस अधिकारी। ये हॉल हो गया, और इधर कमरे कितने हैं? ये भी हॉल ही है, ये कॉन्फ्रेंस रूम है। हमारे जितने भी ऑफिस वीरे रहे। अच्छा, ये सब जाकर के यहाँ मीटिंग, राउंड टेबल बनेगा, ये राउंड टेबल बनेगा, राउंड टेबल विद चेयर, विद चेयर, हाईटेक बिल्कुल, और कंप्यूटर वगैरह भी लगेगा। सब तो हाईटेक रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार काम कर रहे हैं भाई, इनको बधाई दीजिए। और चलते चलते मैं जितना काम कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। एयरपोर्ट के रास्ते पे हूँ, लेकिन ये बहुत बच्चे हैं, ये सब ऑफिस के हमारे जो पदाधिकारी हैं। अच्छा, ये उनके लिए ही है। अच्छा, हाँ, ये फ्लोर पूरा ऑफिस में रहेंगे, ये सारे ऑफिस में रहेंगे। कितने रूम है यहाँ पे? पांच हैं यहाँ, पांच है, पांच, और एक कॉन्फ्रेंसिंग हॉल और ये की बड़ा हॉल। अच्छा, पांच, ये हो गया ऑफिस वेयरर्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, और एक मीटिंग के लिए उधर ये हॉल रहेगा। अच्छा, जरूरत पड़ने पे सेमिनार वगैरह यहाँ भी कर सकते हैं। चलिए, आइए जरा दूसरे फ्लोर पे चलते हैं, वहाँ क्या है। मैं जब प्रोफेसर था जी, तो मैं मोटरसाइकिल से घूमता था भोपाल में तो मैं देखता था कहीं कल्चुरी हॉल बना है, कहीं नर्मदे हॉल भवन बना हुआ है। अच्छा, कहीं राजपूत समाज का भवन बना है। वहाँ से इंस्पिरेशन, तो मैं सोचता था यार कि कभी यार हमारा भी भवन कोई बन सकता है क्या। वाह, अच्छा, ये सब में अटैच बाथरूम है ना? सभी, ये अब फिनिशिंग शुरू हो गया इसका? हाँ, फिनिशिंग हो गया। अच्छा, ये कमरा है, ये किस पर्पस है? ये रुकने के लिए, जैसे आप लोग वहाँ रुके, काफी महंगा है, सो कल यहाँ रुकवाएंगे आप लोग, यहाँ रुक लग रहा है। बिल्कुल चलिए, तो मैं यही रुकूंगा फिर। हाँ, मेरे से फीस तो नहीं लेंगे? फीस केवल मेंटेनेंस हमारा हो जाए, और इतनी फीस लेंगे। इधर भी रूम है, ये सब ये गेस्ट के रहने के लिए, ये रूम है। अच्छा, सब एक ही डिजाइन का है? हाँ।
अटैच बाथरूम विद एसी विद एसी। अच्छा कितने रूम है इसमें इस फ्लोर पे पाटिल साहब बताइए सर। छः एक आगे भी है तो आठ है आठ है आठ रूम है। और ये छोटा सा आपका ये अच्छा पेंट्री भी यहाँ पे अच्छा जब गेस्ट आएंगे तो यहाँ पे खाने का ये खाने का किचन बन रहा है ये डाइनिंग हॉल ये डाइनिंग हॉल डाइनिंग हॉल ना और वो किचन उधर होगा। चलिए 3 करोड़ रुपए आपने इकट्ठा किया मतलब लोगों से लगभग लगभग इसको बनाने के लिए बिल्कुल। तो ये 2.5 लाख तो मेंबर है पूरे स्टेट में 2.5 लाख मेंबर है जिला भाई सुपर क्लास बन से लेके स्टेट डिवीजन डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक तहसील सारी सभी कार्य। अच्छा एक गंभीर सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ बताइए कि अजाक्स बनी उसके बाद धीरे धीरे लोग फंड इकट्ठा किए ये जमीन आपने कैसे प्रोक्योर किया ये प्राइम लोकेशन पे है और वो भी मुझे लगता है 7-8 हजार स्क्वायर फुट होगा 8.5 हजार स्क्वायर फुट है। हाँ। ये तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र सिंह साहब थे। अच्छा उन्हीं के माध्यम से अजाक्स को मान्यता मिली थी देश के अंदर में पहला ऐसा अनुसूचित जनजाति संगठन में जो शासन से मान्यता प्राप्त है। अच्छा मध्य प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त माननीय देवेंद्र सिंह तब भी मुख्यमंत्री थे उस समय अमर सिंह साहब भैरवा साहब अमर सिंह प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे भोपाल दस्तावेज कॉन्फ्रेंस में आया था। हाँ हाँ तो उसी समय जो है सरकार ने हमको ये जमीन दी थी दिग्विजय सिंह उस समय दिए थे। आप अभी जॉब में रिटायर हो गए अच्छा है ये पुरातत्व में है। अच्छा तो दिग्विजय सिंह ये 8.5 हजार स्क्वायर फुट जमीन है और कितने पैसे सरकार को आपने दिए थे इसके लिए? पैसे नहीं दिए था सर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए अभी सरकार की नौकरी में इसलिए सवाल जवाब नहीं करूंगा ज्यादा लेकिन मैं मध्य प्रदेश में जो किया और के बारे में बोलूं तो दिग्विजय सिंह उस समय सीएम थे मैं आया था और 8.5 हजार स्क्वायर कई करोड़ का ही जमीन कई करोड़ का जमीन कई करोड़ का। देखिए हमारा 2003 में दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए थे और लोग कहते हैं दिल्ली चाहे मध्य प्रदेश में कि उस समय उन्होंने सरकारी खरीदारी में 30% ठेका अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लागू किया था लेकिन दलित समाज में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं आई और शायद एक हारने में ये भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इसलिए समाज को समझना चाहिए कि जिन्होंने कुछ दिया और उसी को हराने में अगर लग जा रहे हैं। चलिए और पूरा देखें चलिए आइए आइए तो मैं तो कैसा लगा डॉक्टर साहब आपको बहुत शानदार नहीं तो मैं यहाँ रुक के थोड़े वीडियो बनाते रहता हूँ। तो ये जरा समझना चाहिए 8.5 हजार स्क्वायर फुट दिग्विजय सिंह ने फ्री ऑफ कॉस्ट अनुसूचित जाति जनजाति को जमीन हाँ मतलब अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ को है ना नहीं अधिकारी कर्मचारी क्योंकि इसमें सुपर क्लास बन से लेके और गांव का जो कोटवार है वो भी मेंबर है इसमें। ये ब्यूटी है इस संघ की 2.5 लाख उसका मेंबरशिप भी है मेंबरशिप है अच्छा आजीवन 5 हजार रुपए है अच्छा वार्षिक जो है वो अलग अलग है अच्छा ओके 200 से स्टार्ट होता है। चलिए तो मैं चलिए आप क्या मैं अपनी तरफ से भी दिग्विजय सिंह का शुक्रिया कर देता हूँ अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी लोगों को इतना बड़ा जगह उन्होंने दिया कि ताकि वो अपने लिए एक संस्था का निर्माण कर सके। यहाँ लाइब्रेरी है शायद क्यों सर वो सवाल पूछने वाला था जी ये स्टूडेंट वगैरह जो रुकेंगे यहाँ पर तो पेंट्री भी है रेस्टोरेंट भी है हमारे जो रहेगी लाइब्रेरी का जगह दिखाइए मुझे ये लाइब्रेरी रहेगी ये ये लाइब्रेरी है हमारे स्टूडेंट जो गांव से आते बेचारे यहाँ जगह नहीं मिलती रुकने को कई बार तो वो बच्चे जो यहाँ पर रुक सकेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट रहना खाना अब खाने का तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ अच्छा रहने का फ्री है रहने का फ्री और ये उनके लिए लाइब्रेरी होगा ये लाइब्रेरी होगी नीचे मेस है डॉर्मेट्री दिखाइए जरा ये केबी तो कमरा है ना अच्छा ये डॉर्मेट्री है छात्र इसमें ठहरेंगे ये अटैच बाथरूम है और इसमें भी एसी लगेगा सेंट्रलाइज एसी है सेंट्रलाइज का तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन सब एयर कंडीशन फुली एयर कंडीशन
अभी फिटिंग वेटिंग सब व्यवस्था इसी के हिसाब से चल रहा है, ऊपर से ही लगता है वो पूरा है पूरा। चलिए ये कितना थर्ड फ्लोर है, ये डॉर्मेट्री है, देखिए फिनिशिंग हो रहा है, उसमें टाइल्स फ्लोर पे लग चुके हैं, ऊपर का काम इसका मतलब मोटा मोटी फिनिश हो चुका है तभी। ये सारे डॉर्मेट्रीज हैं ना? बिल्कुल डॉर्मेट्री चाहिए। वाह, और तो लाइव रहेगी। कितने डॉर्मेट्रीज हैं? चार। चार तो चार में इसमें तो 20-25 लोग आराम से ठहर आ जाएंगे, 100 लोग आराम से, तो 100 बच्चे यहाँ रह के पढ़ सकते हैं। अगर खाना का पैसा भी देना पड़े तो बहुत मिनिमम कॉस्ट पे आप खाना खाएंगे यहाँ पर, और लाइब्रेरी है साथ में, पढ़ेंगे भी। और ये ठहरने का एयर कंडीशन, मुझे लगता है कि शायद ये पहला एक्सपेरिमेंट है कि जहाँ पर कम से कम लागत में बच्चे एयर कंडीशन में रह के पढ़ेंगे एक ही जगह, मॉडर्न बाथरूम से लेकर तमाम सब सुविधाएँ होंगी। उनको इंस्ट्रक्शन एक दीजिएगा जरूर जी, कि जो भी रहे एकदम मेंटेन्ड रहे। वो तो मेंटेन के हम लोग एक ट्रस्ट बना रहे हैं। अच्छा, वो जो है इसको मेंटेन करेगा। चलिए शानदार, चलिए कभी मुलाकात होगी दिग्विजय जी को तो मैं ये बात तो जरूर बोल दूंगा। नहीं सर, जो बोल जो है सो आपसे बोल लूंगा। नहीं, इसमें जब इसका उद्घाटन करेंगे जी, जब उनको बुलाएंगे। हाँ, ये हुई ना बात। चलिए अगर समय मिले और याद रहे तो मुझे भी बुला लीजिए। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, कुछ नहीं थे, कम से कम वीडियो तो बना ही दूंगा। क्या वीडियो से नहीं कर, थोड़ी देर पहले हम लोग दिग्विजय सिंह यही मिल जा रहे हैं। अच्छा, अरे वाह, क्या क्या कह रहे हैं, कान में फूंक दिया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इसमें हम लोग ऊपर एक टीन सेट का एक बहुत बड़ा हॉल बनाने का है। हाँ, इसके ऊपर बनाएंगे। चलिए, छत है और पानी वानी की पूरी व्यवस्था है, और बगल में एक मंदिर है। ये जैन मंदिर है, जैन मंदिर है, और बगल में जैन मंदिर है, और नीचे बुद्धिज्म की पढ़ाई हो। बिल्कुल, ये है ब्यूटी। और पूरा विजुअल्स दिखा दीजिए, पूरा बुद्ध विहार भी है इधर। ये यहाँ पर बुद्ध विहार है। चलिए, शहर के प्राइम लोकेशन, प्राइम प्राइम शानदार भवन है। अभी लैंड तो बाकी है ना, बिल्डिंग के अलावा चारों तरफ लैंड बाकी है, थोड़ा थोड़ा लैंड बाकी है ना, उसके हिसाब से बनाया है, लैंड बाकी है। यहाँ पर सर ये भोपाल राजधानी के अम्बेडकर मैदान, ये वाला सामने ही जा रहा है, ये सामने अम्बेडकर मैदान है, अम्बेडकर मैदान इधर, उधर भी एक बुद्धिगार है, इधर एक बुद्धिगार है, पंचशील नगर है, सिर्फ सिर्फ और जो आता पंचशील नगर में। अच्छा, पंचशील नगर में है, क्या बात है। तो मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, और उम्मीद है जब उद्घाटन होगा, बिल्कुल बिल्कुल अम्बेडकर नामा इसको कवर करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों, बड़े बड़े नारे और तमाम हंगामा मचाने से नहीं, ऐसी कीले सैकड़ों साल लगते हैं संस्थाओं को बनाने में, कील में फंस जाएगा। जिनसे आप लड़ रहे हैं उनसे पूछिए उनकी संस्थाएं कितनी मजबूत है, और हजारों साल तक उनकी संस्थाएं बनी रही, उसी में उन्होंने ज्ञान, म्यूजिक, डांस सब कुछ सीखा, जनरेशन टू जनरेशन वो बढ़ता गया। और बाबा साहब बहुत बड़े संस्थाओं के निर्माता थे, उन्होंने इमारत बनवाई थी, इमारत फंड शुरू किया था, ताकि हम रहे न रहे एक इमारत रहे, चाहे बच्चे आए, फ्यूचर जनरेशन आए, उसको याद रखें, इसलिए उन्होंने स्कूल कॉलेज तमाम संस्थाएं बनवाई थी। आजकल नारे बहुत ज़्यादा लगते हैं और कोई एजेंडा क्लियर नहीं होता है, लेकिन इस तरह का काम मुझे लगता है कि देश भर में जितने सूबे हैं वहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों को जरूर करना चाहिए। ओबीसी के जो कर्मचारी हैं, भले ही पृथक ही बना लें, लेकिन उनको भी इस तरह का भवन का निर्माण करना चाहिए, जहाँ के बच्चे रहें, पढ़ें, लाइब्रेरी हो, गेस्ट ठहरें, बाद संवाद हो, विमर्श हो, सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंसेज हो, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। मथुरा जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, ऑल द बेस्ट, और बधाई भी आपको, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इस भवन को देखा।